नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube वर्सेस ब्लॉगर में कौन सा बेस्ट होता है और सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आप YouTube वीडियो भी बना रहे हैं तो साथ में क्या ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बना के आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यूट्यूब और ब्लॉग में क्या अंतर है। यूट्यूब का भी एक ब्लॉग होता है, एक वीडियो ब्लॉग होता है जो आप यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, लेकिन ब्लॉग जो मैं बता रहा हूँ वो एक ऐसा ब्लॉग है जो इन्फॉर्मेशन आप शब्द के माध्यम से लोगों को देना चाहते हैं वो ब्लॉगिंग कहलाता है। जैसे आप जो भी न्यूज़ वगैरह अगर आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं तो अगर आप रीड कर रहे हैं उसको तो वो ब्लॉग है, अगर आप उसको वीडियो में देख रहे हैं बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो भी एक ब्लॉग है, लेकिन वो वीडियो ब्लॉग है। तो बेसिकली ब्लॉग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन जो आप इंटरनेट के माध्यम से लोगों को देते हैं। दोस्तों तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ तो क्या मैं ब्लॉगिंग करूँ, या फिर मैं ब्लॉगिंग करूँ या यूट्यूबिंग करूँ, इन सब में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फेस जनता को दिखाएं तो ही यूट्यूबिंग कीजिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कई बार होता है ना कि आप इमेज 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 वाला आप डाल करके आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन उस केस में आपको सब्सक्राइबर आने का चांस बहुत कम होता है। तो और गूगल का पॉलिसी का कोई ठीक नहीं है, यूट्यूब का पॉलिसी का, कि कब कौन सा चैनल बंद कर दे। लेकिन अगर आप अपना ह्यूमन इंटरफेस रखते हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जेन्यून इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बिना कॉपी किए हुए किसी का, बिना साउंड कॉपी नहीं कर रहे हैं, कोई अनएथिकल काम नहीं कर रहे हैं, तो आप यूट्यूबिंग कर सकते हैं। सेम ब्लॉगिंग में है कि ब्लॉगिंग में आप अगर बिना चेहरा दिखाए काम कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पैसे का बात करें तो दोस्तों ब्लॉगिंग में यूट्यूब से ज़्यादा पैसा है, क्योंकि ब्लॉगिंग में आपको यूट्यूब में आपको सक्सेस होने में टाइम लगता है, लेकिन ब्लॉगिंग में आप तुरंत सक्सेस कर जाते हो। यूट्यूब अगर ब्लॉगिंग में अगर आप सारा गूगल एडसेंस को लेकर के अगर आप काम कर रहे हैं या एफिलिएट को लेकर के काम कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं अर्निंग के ब्लॉगिंग के माध्यम से। लेकिन यूट्यूबिंग में आपको सिर्फ एडसेंस पे डिपेंड रहना होगा। अगर आप प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं, आपके कॉन्टेंट के अकॉर्डिंग आपका अर्निंग मेथड वैरी कर सकता है, लेकिन ब्लॉग की अपेक्षा यूट्यूब में कमाने का जरिया जो है बहुत कम होता है दोस्तों। लेकिन बेस्ट वे बहुत सारे लोग जो यूज करते हैं वो तरीका मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि बहुत सारे लोग जो है किस तरीके से यूट्यूब और ब्लॉग दोनों एक साथ क्रिएट करते हैं और कैसे रन करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लास्ट में दूंगा। तो दोस्तों तीसरा डिफरेंस जो होता है ब्लॉग और यूट्यूब में, कि ब्लॉग यूट्यूब का कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको एड लाने के लिए आपको 4000 वॉच टाइम होना चाहिए और आपको 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। ब्लॉग में आपको ट्रैफिक से कोई मतलब नहीं है। अगर आप गूगल एडसेंस का सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, मतलब ब्लॉग अगर जेन्यूनली आप लिख रहे हैं, आपने एडसेंस का अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है, अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप एफिलिएट का लिंक लगाते हो वहाँ से सेल होना चालू हो जाता है, आपका अर्निंग चालू हो जाता है। आप media.net का ऐड लगाते हो या फिर आप गेस्ट पोस्ट वगैरह आप जाकर के लिखना चालू करते हो, या फिर बहुत सारे तरीके हैं ब्लॉगिंग में जो मैंने बताया भी है कि आप ब्लॉगिंग से किस तरह से पैसे कमा सकते हो। तो ब्लॉगिंग में 10 से 12 तरीके हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अगर यूट्यूब में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 आप अपना ईबुक सेल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके लिए भी आपको सब्सक्राइबर गेन करना होगा पहले। ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो आपने डाला और सीधे बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगा उस, लेकिन ब्लॉग में ऐसा है आपका कि अगर आप ब्लॉग में कंटिन्यू डाल रहे हैं तो उसका ट्रैफिक जो है यूट्यूब के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा आता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको प्रेफर्ड करता हूँ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिस टाइप का जिस सब्जेक्ट का ब्लॉग बना रहे हैं, जैसे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, मैं इसी सब्जेक्ट पर ब्लॉगिंग करूँगा, तो ये तरीका जो है सबसे बेस्ट होता है। सपोज अगर आप फिटनेस ब्लॉग के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, या फिर आप जानकारी दे रहे हैं कि ब्लॉगिंग के बारे में या टेक्निकल जानकारी दे रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कंपटीशन कितना भी हाई रहे आप सेम टॉपिक पे ब्लॉग स्टार्ट कीजिए।
क्योंकि आपकी YouTube का ट्रैफिक ब्लॉग में भी जाएगा और ब्लॉग का ट्रैफिक YouTube में आएगा, तो इससे आपका दोनों चीज़ में, अगर आपका ब्लॉग भी हिट कर गया तो YouTube भी हिट कर जाएगा, और YouTube हिट हो गया तो ब्लॉग भी हिट कर जाएगा दोस्तों। तो ये तरीका जो है, जो बड़े बड़े टेक्निकल गुरु जी आप देख लो, या फिर जितने भी बड़े ब्लॉगर हैं, उनका जिस नाम का ब्लॉग चल रहा है उसी नाम का यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप यूट्यूबर हैं, कोशिश कीजिए कि एक डोमेन नेम ले करके आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दे दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा समय है ब्लॉगिंग करने का। और देखिए, यूट्यूब और ब्लॉगर को अगर देखा जाए तो मैं बोलता हूँ कि ब्लॉगिंग में आप फुल टाइम करियर बना सकते हैं। यूट्यूब में आपको फुल टाइम करियर बनाने में बहुत हद तक किस्मत का भी योगदान रहेगा। अगर आपने बहुत मेहनत किया तो ही आप फुल टाइम करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। एज कंपेरिजन टू ब्लॉगिंग में आपको सक्सेस होने का रेट ज़्यादा होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आई रियली अप्रिसिएट योर टाइम, थैंक यू, धन्यवाद।